बदलती सूरत हाल और अहम मसाइल के ऊपर इसी सब पर तबसरात तज़िया और गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं चीफ एडिटर पाकिस्तान ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर सीनियर तज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी जनाब सरदार खनियाज़ी साहब। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ देखें उससे पहले आज की टॉप स्टोरी अहम एजेंडा और सच्ची बात। आज की सच्ची बात, आइंदा माली साल तरसीलाती ज़र भेजने वालों के लिए मुराती पैकेज दिया जाएगा। हुकूमत ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए तारीखी पैकेज की तैयारी कर ली। वफाकी हुकूमत ने मौजूदा हालात में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तारीखी पैकेज देने का फैसला किया है और इस हवाले से जल्द ही आइंदा माली साल तरसीलाती ज़र भेजने वालों के लिए मुराती पैकेज दिया जाएगा और सितंबर 2020 में नेशनल तरसीलात लाइट्री प्रोग्राम मुतारिफ कराया जाएगा। नेशनल तरसीलात लाइट्री प्रोग्राम बैंकों के इश्तराक से लॉन्च किया जाएगा। वजारत खजाना के मुताबिक यकम जुलाई 2020 से तरसीलात पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म हो जाएगा और ये फैसला आइंदा माली साल के बजट में तरसीलाती ज़र बढ़ाने के लिए किया गया। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि FBR ने विद होल्डिंग टैक्स छूट पर काम शुरू कर दिया है। आइंदा माली साल बजट में फाइनेंस बिल में तरमीम की जाएगी। अगला एजेंडा यह है कि वफाकी काबीना ने आटा चीनी स्कैंडल की तहकीकात के मामले पर इंक्वायरी कमीशन को 3 हफ्तों की मोहलत दे दी। वफाकी काबीना के इजलास में छोटा कारोबार करने वालों के लिए 75 अरब रुपये के पैकेज की मंजूरी दी गई। 3 माह का बिजली का बिल भी माफ होगा। इजलास में 9 मई तक लॉकडाउन के कौमी राबता कमेटी के फैसले की तौसीक भी की गई। तफसील के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना इजलास में 13 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया और मुतअद्दिद निकात की मंजूरी दी गई। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने लिमिटेड कंपनियों में डायरेक्टर्स की खाली असामियों पर नामजदगियों की मंजूरी भी दी। काबीना को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इकदामात पर मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई। वफाकी काबीना ने कोरोना वायरस पर कायम कौमी तआवुन कमेटी के फैसलों की तौसीक की जबकि मुल्क की मौशी और सियासी सूरतहाल पर भी गौर किया गया। इजलास में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले सहाफियों और सहाफती इदारों की माली इमदाद के पैकेज की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म ने मौवन इत्तलात आसिम सलीम बाजवा और वज़ीर इत्तलात शिबली फराज को पहला टास्क सौंप दिया। आखिरी एजेंडा यह है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के बायस 2 लाख से ज्यादा अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं जबकि मुतअद्दिद ममालिक इस वबा से निपटने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ताहम वायरस के खिलाफ उम्मीद की किरण सामने आई है। न्यूजीलैंड वबा को शिकस्त देने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस की आलमी तबाही की लपेट में हर कोई है। जिन लोगों को ये वबा नहीं लगी वो इसके खौफ में रह रहे हैं और खौफ बिल्कुल हकीकी है जिससे कोई फरार नहीं। वबा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तेजी से एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल रही है और चीन से लेकर अमरीका तक मुतासर अफराद की तादाद में रोज ब रोज इजाफा होता जा रहा है। ताहम आलमी सतह पर कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बाद न्यूजीलैंड से हौसला अफजा खबर सामने आई है जहाँ पर वजीर आजम न्यूजीलैंड जसिंडा ऑर्डरन ने प्रेस ब्रीफिंग में कोरोना वायरस पर फतह हासिल करने का दावा किया है। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वायरस के मकामी सतह पर खात्मे के बावजूद एहतियात जरूरी है। उनका कहना था कि मुल्क में कोरोना वायरस के मुंतकली का कोई नया केस सामने नहीं आया। हम सबसे वाजह कर देना चाहते हैं कि हमने ये जंग जीत ली। खवातीन सरत, आप लोग ने आज का एजेंडा जाना। इसी पर बात करने के लिए नियाजी साहब के तो हैं ही लेकिन हमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शुएब सडल साहब, ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत बड़ा नाम, साबिक वफाकी टैक्स मुहतसिब, साबिक सरबरा IP। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, तो आपने चीनी और आटे की इंक्वायरी भी सुनी कि ये भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पहले कमीशन बनाया गया, फिर उसकी एक मियाद दी गई, फिर दूसरी 3 हफ्ते की और मियाद बढ़ा दी गई और इंक्वायरियां भी होती हैं, मामला तो देखे भी जाते हैं और मेरा ख्याल है वाइट कॉलर क्राइम पे जितनी बड़ी अथॉरिटी आप पाकिस्तान हमारे लोग आपसे फ़ायदा उठाएँ या ना उठाएँ वो एक अलहदा बात है, वो उनकी अपनी ज़ाती सोच है। लेकिन एक वो वाइट कॉलर क्राइम का जो आपको एक्सपीरियंस है या जिस तरीके का एक एसेट हैं आप इस मुल्क के अंदर, तो आपसे बेनिफिट लिया जा उपन इस्तफादा किया जा रहा है या नहीं वो अलहदा बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंक्वायरियां भी होती हैं, मामलात भी आगे चलते हैं। जिस तरह जरदारी साहब की इसी FIA के अफसर ने इंक्वायरी की और मैंने आपसे गुफ्तगू की तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है और उसमें कोई अभाम नहीं था, कोई उसमें खदोखाल ऐसे नहीं थे कि वो उस पर कोई उस पे शक किया जा सकता था। लेकिन GIT रिपोर्ट उसके आने के बावजूद उस पर भी कुछ नहीं हुआ, फिर नवाज शरीफ पर भी कई दफ़ा रिपोर्टें बनी, कई दफ़ा कमीशन मुकर्रर हुए उसके केसेस पे। तो अभी इस पे आप समझते हैं कि कुछ इसका इसका कि कोई रिजल्ट निकलेगा? साहब एक तो यह है कि ये जो आपने
अपने इब्तदाइया में बातें की हैं, ना बातें तो ये सारी सही हैं, लेकिन इसमें हमारे कुछ सिस्टेमिक इश्यूज इन्वॉल्व हैं कि हमारे इन्वेस्टिगेशंस में भी प्रॉब्लम्स हैं, फिर हमारी प्रोसिक्यूशन जो है वो भी वीक होती है, हमारे जो स्पेशलिस्ट प्रोसिक्यूटर्स हैं वो हमें अवेलेबल नहीं होते उस तरह से, और इवन फिर जब आपकी प्रोसिक्यूशन वीक हो तो जो उसका जुडिशल आउटकम है वो भी वीक होता है। तो इस वजह से लोगों के लिए भी बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन है ये कि किसी चीज़ को उन्होंने कंक्लूड होते नहीं देखा। बहुत रेयर है कि किसी को एक स्टेज पे अगर कोई सजा हो भी गई तो उससे नेक्स्ट स्टेज पे फिर वो फारिग हो जाते हैं और फिर फाइनल स्टेज आती है। तो ये हैं हमारे वो इश्यूज पे जिन पे हमें एक्चुअली एज ए नेशन, जिसको कहते हैं ना कि जी तमाम लोग मुत्तफिक हों। अब हमारी जो सियासत चल रही है अनफॉर्चुनेटली वो और तरह से है, वो है कि बात सही है तब भी उसको क्रिटिसाइज करना है, बात गलत है तो वो तो खैर है ही है। तो इस तरह से मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते कि हम एक प्रोफेशनल किस्म के लोग बन जाएं कि हमने हर वक्त झूठ और सच को मिला के तो कुछ ना कुछ तैयार करते रहना है। इसके लिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि हमें एक लोग कहते हैं हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, फिर बीच में बात चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी होती रही है। मैं कहता हूं कि चार्टर ऑफ गुड गवर्नेंस पे आप साइन करें और ये कहें कि हमने अगले 10 साल 15 साल 20 साल ना तो किसी काम में सिफारिशें करनी है, ना किसी को जो सही पकड़ा हुआ है उसको छुड़वाने के लिए तगड़ो करनी है, और अगर कोई सही इन्वॉल्व है और वो छूट गया है तो उसको पकड़वाने के लिए हमने अपना पूरा यूनाइटेड एक फ्रंट बनाना है, तो फिर तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा और इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज हम एक मायूसी की फिजा में रह रहे हैं, और आई ऑनेस्टली समटाइम्स वंडर कि हम ये आगे अपने बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए किस तरह का मुल्क जो छोड़ेंगे, और उस पर हमें सिवाय शर्मसार होने के और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो आप के पास एक मीडियम अवेलेबल है, आप इसको यूज़ करें और इस तरफ को फिजा हमवार करें। देखें, प्रॉब्लम ये है कि हम साहब पे भी हमारी बड़ी तवक्कुआत अभी भी है, और शायद वो मेरा ख्याल है अभी थोड़ी उम्मीद की किरण, क्योंकि मैंने आपको खत भेजा होगा, एक मैंने उनको लिखा अखबार में छापा, ओपन खत लिखा, उस पर भी उन्होंने पढ़ा है और एक्शन भी लिया है। मैं और भी रीजन दूंगी, लेकिन उस पर भी एक्शन ही लगता है, क्योंकि एक्चुअली रास्ता उसको मेरा ख्याल है जिस रास्ते पे अभी वो चलने की कोशिश कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है अभी कुछ सही रास्ता उन्होंने इख्तियार किया है कि वो मेच्योर लोगों को चलाना अभी चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह फखरे इमाम है, जिस तरह मीनुल्लाह है कराची के मिनिस्टर बनाया, फखरे इमाम को मिनिस्टर बनाया, तो इस तरह की लगता है जिस तरह ये अभी हमारा इंफॉर्मेशन का बड़ा अच्छा मिनिस्टर बनाया, बड़ा खानदानी आदमी है, फिर जनरल बाजवा जो है वो DGISPR रहे और बड़ा तजर्बा है उनको ISPR में इंफॉर्मेशन का, को 5-6 साल रहे, मेजर जनरल थे गए और फिर लेफ्टिनेंट जनरल वहाँ हुए। तो अभी मेरा ख्याल है उस तरफ शायद वो, क्योंकि पहले उनके जो लोग इर्द गिर्द थे ना, वो मैंने निशानदेही भी की है उस खत में और बड़ा कुछ लिखा है कि उसमें प्रॉब्लम्स थे कि उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं ना उनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन अभी वो मेरा ख्याल है इस रास्ते पे चल रहे हैं कि पुराने मेच्योर और समझदार और तजर्बाकार लोगों के बगैर दहमे दिरमे सुखने हम मामलात को मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल सही है, और वो क्या कहते हैं कि बेटर लेट देन नेवर, जाहिर है आदमी तजर्बे से सीखता है, और अगरचे 2 साल ऑलमोस्ट गुजर गए हैं लेकिन
कम से कम मुझे तो खान साहब की अपनी नियत पे कोई यू नो ऐसी कमी नहीं नजर आती. ही वांट्स टू चेंज थिंग्स. और मुल्क मुल्क एक आदमी से चलते नहीं है ना, मुल्क टीम वर्क होता है और मुल्क टीमों से चलते हैं. मुल्क एक आदमी का चलाना काम नहीं होता. नहीं, वो बिल्कुल सही है. और टीम बनाना जो है वो भी उन्हीं की जिम्मेदारी है. अगर टीम फेल हो जाएगी तो टीम को लोगों ने कम पूछना है, ज्यादा लीडर को पूछना है. हाँ, कि भाई लीडर ने वो टीम असेंबल कैसे की थी. तो हमारी जो गुड विशेज हैं वो उनके साथ हैं कि ये जो आप बता रहे हैं, जो लोग नए शामिल हो रहे हैं हमारी तरफ से, उनको मुबारक हो. अल्लाह करे कि वो कामयाब हों. और जाहिर है कि कोई देखें ना, तो किसी ने बाहर से आके हमारे मुल्क को फिक्स करना है, ना कोई मनो सलवा नाजल ने. वो एक दौर था, वो गुजर चुका है. अब जो कुछ भी है वो इसी लैसा लिल इंसान इल्ला मासा, जिसके लिए हम कोशिश करेंगे उतना हमें मिल जाएगा. और वो कोशिश हमें दिन रात करनी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं. और ऐसी बात नहीं है कि प्रॉब्लम्स हल नहीं हो सकते. सिर्फ ये जरूर है कि हमें जो मेरी नज़र में होता है वो ये है कि हमें बजाय इसके कि बहुत सारी चीज़ों को एट ए टाइम शुरू कर लें, हमें कुछ इनको स्टैगर करने की जरूरत है, प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है. डॉक्टर साहब, कौन एहतसाब मानेगा, कौन आप ये बताएं मुआशरा मानेगा? सबसे पहले तो जिस तरह आप कह रहे, आप खुद भी फरमा रहे हैं कि चीज़ों को हमें सिक्योरिटाइज करना चाहिए, कि कौन सी पहले करनी चाहिए, कौन सा बिग जुर्म है या कौन सी उस चीज को पहले लेके चलना चाहिए. अब दो बहुत बड़े इवेंट हैं जिन्होंने इन्होंने इंक्वायरी की, जेल में बंद रखा, मीडिया चलता रहा, स्क्रीनें भरी आई, अखबार भरी आए, प्रिंट मीडिया आर्टिकल हर गली, हर मोहल्ला, हर दुकान, हर लाइब्रेरी पे और हर क्लब में डिस्कशन नवाज शरीफ और जरदारी साहब की रही, वो भी फारिग हो गए. तो उसके बाद कौन इनका एहतसाब मानेगा? और वो उसके ना को पैसा उनसे लिया गया, ना पैसा वापस आया और वो फारिग हो गए. और फिर और लोगों से माड़े तोड़े को पकड़ के किसी लॉजिक मंतिक के बगैर एक सोसाइटी वाले को गिरफ्तार कर लिया, वो डर से ही पैसे दे देगा, एक दूसरे को कर लिया. लेकिन मेन बड़े जो मुजरम इन्होंने पकड़े थे, वो मैं अभी लड़के को जो है कहता हूँ प्ले भी करे, जब आप और मेरा प्रोग्राम हुआ था तो उस GIT रिपोर्ट पे गुफ्तगु भी हुई थी. तो वो उन मेन मुजरमों को फरियाल तारपुर है, जरदारी साहब है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ साहब है, शहबाज शरीफ साहब के बच्चे हैं. पहले तो वहां जब इन्होंने शुरू किया था तो या तो गलत पकड़ते रहे तो खमियाजा भुगतना चाहिए गवर्नमेंट को, नैब को. अगर उनके सही केसेस थे तो उसको कौम को कुछ बताएं तो सही कि क्या था. नहीं साहब, आपने जो बात की वो वाला चंक भी हम प्ले करना चाहते हैं. जरा प्रोड्यूसर साहब वो चंक प्ले कीजिएगा. मौजूदा GIT रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है वो तो एक अलग इशू है. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज कहा कि ये पब्लिश क्यों हुई, लेकिन पब्लिश हो गई. वो GIT रिपोर्ट तो वही है जो उन्होंने दी, जमा कराई. पब्लिश होना ना होना तो एक अलग डिबेट है. इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये ठीक है? ये ठीक है तो फिर उसका हल क्या है? देखें, जो अफसर उसमें इन्वॉल्व थे GIT में, मैं तो इसको जानता हूँ अपना एहसान सादक को, क्योंकि जब मैं पुलिस ब्यूरो में था तो ही वॉज विद मी. ही इज़ अ फर्स्ट रेट ऑफिसर इन एवरी रिस्पेक्ट, थॉरली प्रोफेशनल और इंटेग्रिटी पे एब्सोल्युटली यू नो बियॉन्ड अप्रोच. सो मेरे ख्याल में तो उसका कोई इसमें और मोटिव नहीं है सवाए इसके कि जो उसको टास्क दिया गया था वो उसने टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी किया है. और इनफैक्ट यू नो इट्स गुड के अभी भी इस मुल्क में कुछ ऐसे अफसर अवेलेबल हैं. ये भी आपने रिकमेंड किया था अफसर को? वेल, इस बात को छोड़े तो, लेकिन ये है कि अफसर अवेलेबल हैं और वो इस तरह के जो हालांकि पहले वाला केस जो है जिसमें वाजिद ज़िया इन्वॉल्व था उससे अच्छे अफसर बिना परेशान हुए थे.
यार अगर हमने फिर सालों वकीलों को फेस करना है, क्योंकि ये तो दुनिया में कहीं होता नहीं है, और उधर वकील है यू नो टॉप का, और इधर आपकी कोई इतनी कोई ट्रेनिंग भी नहीं होती कि वकीलों को आप सीनियर लेवल पे तो पेश भी नहीं होते अदालतों में, इसलिए वो पार्ट उतना नहीं होता, ये तो नीचे वाले पेश होते हैं। तो ये एक फैक्टर था जिसकी वजह से कोई भी हाथ भी नहीं डालना चाहता था कि भाई दिस इज टू मच। तो अब मेरे ख्याल में तो इसमें किसी गवाह की इतनी ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है अगर गवाह है तो वो बैंक्स है। जी नहीं आई साहब, डॉक्टर साहब सुना आपने? डॉक्टर साहब सुना? जी जी। तो डॉक्टर साहब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एनआरओ हुआ, उसके बाद मसलते हुई, उसके बाद वो मामलात वो घर चले गए, या तो को आगा फिर उसका कोई रिजल्ट तो कुछ ही बार ना आया है ना? बस मैंने जैसे गुजारिश की कि हमारा जो क्राइसिस है इस वक्त वो यही है कि हमें अपनी एक्टिविटी जो है उसको लिमिटेड करने की ज़रूरत है और उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर देखें बेशुमार चीज़ों में आदमी हाथ डाल ले तो वो टाइम तो उतना ही होता है ना, 24 घंटे हैं, उसमें आपने 8-10 घंटे 12 घंटे काम कर लिया मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो मुश्किल हो जाते हैं, आप रोज़ाना की बेसिस पे नहीं कर पाते। तो और मैं आपसे गुजारिश करूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जो कि तमाम केसेस को हाथ डालती है, लोग कोशिश करते हैं कि समटाइम्स इवन आउट ऑफ द कोर्ट डिसीजन कर लें ताकि उसमें टाइम भी बचे, रिसोर्सेज भी स्टेट के बचें, और जो दूसरी पार्टी है उसको मे बी फाइन हो जाए, मे बी यू नो आइंदा के लिए उनको तंबीह हो जाए, एंड सो ऑन, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द केस। लेकिन ये जो है कि हमारा ये एक तमाशा बन गया हुआ कि पहले तो ये है कि जो अक्यूज साइड है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि इसको लंबा करो, और जाहिर है वो जो वकला उनको असिस्ट कर रहे होते हैं उनको वो यही बार बार कहते हैं कि आप तारीखें इसमें लेते जाएं और इसको लंबा करें, और उतनी देर में वो इस उम्मीद पे होते हैं कि या तो ये गवर्नमेंट ही चली जाएगी या कुछ फिर ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि जिनमें ये केस कंक्लूड नहीं हो पाएगा। और ये हमारा एक्सपीरियंस है, यू नो जिन दिनों मैं FIA में था उस वक्त, हालांकि हमने वो पहला साइकिल था वो अकाउंटेबिलिटी का, तो बहुत लिमिटेड केसेस गए थे कोर्ट में, बट स्टिल वो इतने बड़े बड़े वो कला थे कि उन्होंने अगले 2-3 साल सवाए पेशियाँ डलवाने के और कुछ नहीं किया, एंड उतनी देर में उसका एंड हो गया था। सो हमें बैठ के ये इसको ना रीसेट करने की ज़रूरत है कि हम ये जो ड्रामा हमारे यहाँ चलता है और जिसका रिजल्ट एंड पे ज़ीरो रहता है, ये कब तक अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो सारा सिस्टम है ना वो इट इज़ कमिंग इन टू रिडिक्यूल, और लोग जो हैं वो फिर राइटली ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यार ये केस ही जाली थे, ऐसी बात थी नहीं, क्योंकि जाहिर है पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनकी अपनी फॉलोइंग भी होती है, वो जो उनके फॉलोअर्स हैं वो तो डे वन से भी नहीं मानते कि जी ये इस तरह से हुआ होगा, लेकिन जो दूसरे हैं वो भी फिर लाजवाब हो जाते हैं कि जी हाँ, जब क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रूव, और जो ये हैं क्रिमिनल केसेस इनमें तो प्रूफ का स्टैंडर्ड भी बड़ा हाई है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो हालात हैं ना इनके मुताबिक हमें सारा जो है ये जस्टिस का प्रोसेस स्टार्टिंग विद द पुलिस, देन विद यू नो द प्रोसिक्यूशन जिसमें आप डिफेंस साइड को भी इंक्लूड कर लें,
मैंने अक्सर मुल्कों जिनको देखा है, बड़ी क्लोजली मॉनिटर किया है उनको, और जाके बेशुमार उनकी हेयरिंग्स अटेंड की हैं कि वहाँ और हम में फ़र्क क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी के साथ बदल गई हुई हैं। मसलन मैं जापान में आपको बताऊं, वहाँ यू नो 90% तो लोग जो हैं वो खुद ही कन्फेस कर लेते हैं कि जी हाँ हमने ये हमसे गलती हुई है। और एक दफ़ा मैंने वहाँ बड़ा इस मामले को डिस्कस किया कि भाई ये वकील का इधर रोल क्या है आपके मुल्क में, क्योंकि वहाँ जो कन्विक्शन रेट है वो 99.97% है, आप अंदाज़ा कर लो ज़रा, जिसका मतलब है कि 3 केसेस एक्विट होते हैं आउट ऑफ 10,000। हमारे 3 कन्विक्ट नहीं होते आउट ऑफ 10,000। तो दिस इज दी यू नो बेसिक डिफरेंस। तो पता चला जी कि वकील का काम तो सिर्फ ये बताना है कोर्ट को कि जी इसके कोई घरेलू हालात ऐसे थे तो आप मेहरबानी करें इसको 10 साल ना सजा दें, इसको 7 साल दे दें। वो कभी ये नहीं कहेगा कि जी मेरा क्लाइंट बेगुनाह है, क्योंकि वो उस सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ही नहीं है ये। अब हमारे यहाँ सुबह से शाम तक झूठ के अलावा और कुछ है नहीं है। हम अदालतों में भी झूठ का सिलसिला चलाते हैं, हम पुलिस के सामने भी झूठ का सिलसिला चलाते हैं। यू नो पुलिस का टाइम वेस्ट करना इज अ सीरियस ऑफेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिवाय हमारे यहाँ हम कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी आप कहते रहें। तो ये अब अक्सर सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये चेंज कैसे होना है इसने, तो चेंज तो इसी हमारी लीडरशिप ने करना है, और जो लीडरशिप इस वक्त अवेलेबल है इट विल बी शेम अगर ये इनके वक्त भी नहीं होता। हाँ, इमरान खान के वक्त अगर ये चीजें ठीक नहीं होती, गुड गवर्नेंस नहीं आती, तो फिर तो बहुत डिफिकल्ट है फिर लेकिन इनको बाकी पार्टियों के जो लोग हैं उनको साथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जरूरत है। इस तरह से नहीं चल सकता ये जैसे अभी चल रहा है। यू नो आपको साल में अगर 4-5 केसेस भी कर लें और उससे एग्जाम्पल सेट हो जाएं, तो वो जो एग्जाम्पल तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब बड़े केस जो पकड़े थे इसकी एग्जाम्पल सेट कर देते ना 2-3 केसेस को, मनती जरदारी साहब का, फरियाल का, नवाज शरीफ, इनके लोगों के जो केस मनती का अंजाम तक पहुंच जाते ना, तो फिर एक एग्जाम्पल बन जाती, आगे लोग शायद मामलात को भी ठीक रखते। बिल्कुल नहीं, वो सही है आपकी बिल्कुल बात, लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि ये जरूरी नहीं कि हर जगह जो है वो एग्जाम्पल सेट करना या ना करना जो है ये हुकूमत के कंट्रोल में है। हमारे जो अदारे हैं ये उनका भी फर्ज है, इदारों का भी फर्ज है, और एट द एंड ऑफ द डे आगे बढ़ के ये इस कौम के लिए एक ऐसी डिलीवरेंस करें जिससे के उनकी भी इज्जत बने और मुल्क की भी इज्जत बने, और मुल्क की भी इज्जत बने और स्टेट के साथ, और ये पॉसिबल है ऑनेस्टली, यू नो इट इज डूएबल। सिर्फ ये है कि आपको कुछ अरसे के लिए इन बातों को छोड़ना पड़ेगा कि जी फलां जो है उसके साथ ये होना चाहिए, फलां के साथ ये नहीं होना चाहिए। आप ये कहें कि जी हमने इंडिपेंडेंट अदारे जो हैं वो सेटअप कर दिए हैं, ठीक, अब उन अदारों में हमने अपनी तरफ से सही लोग लगा दिए हैं, अगर फिर भी कोई उनमें खराबी करता है तो उसको हम एग्जाम्पलरी यू नो वे में कोई भी खराबी करता है तो लोगों के सामने लाएंगे ताकि आइंदा को इस तरह की हरकत ना कर सके, ताकि आइंदा इस तरह कोई हरकत ना कर सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद सजल साहब, साबिक सरबरा आईबी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद सजल साहब, बहुत बड़ा नाम जो सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे थे। खवातीन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि रोज न्यूज का पूरा इम्तियाज है कि 5 वक्त की अजान सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट न्यूज टेलीविजन पर रोज न्यूज पर ही नशर की जाती है। तो अजान ईशा का वक्त है, एक छोटा सा वक्फा शामिल कर दें, उसके बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम को यहीं से आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से डॉक्टर शेख सरल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, एक बार फिर से आपको सच्ची बात इसके न्याजी के साथ में खुश आमदीद कहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमाल नासिर साहब, सदर ग्रीन टास्क फोर्स, और इसके अलावा सीनियर हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो खैरियत से हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। डॉक्टर साहब ये बताएं, आपकी लैब भी है और आप काफी इसमें काफी आपको नॉलेज है और काफी मैंने सुना भी है आपको बात करते हुए भी, और
गुफ्तगु में भी आपकी बड़ा वजन होता है। आप ये बताएं कि ये जो कोरोना का सिलसिला चला है आपके, क्योंकि आपके लैब, आपके पास भी लोग जाते होंगे टेस्ट, क्योंकि बड़ी आपकी मशहूर और फेमस लैब्स है, तो क्या आप क्या देखते हैं कि इसका क्या इतनी जो हाइप है, इतनी परेशानी है, इतना सिलसिला है, तो इसको इसमें रियलिटीज लोगों को बताएं, लोग सुनना चाहते हैं क्योंकि आप बड़ा क्लोजली देख रहे हैं चीजों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सर मैं आपको ये बताऊं कि मैं कुछ दिनों से इस बात पे बड़ा जोर लगा रहा हूं कि ये जो हमारे यहाँ खौफ फैल गया है इस कतर के, पता नहीं क्या ऐसी बीमारी है कि जिसको हो जाएगी वो खुदा ना खास्ता मर जाएगा। आज मुझे बड़ी हौसला हुआ जब मैं NDMA के चेयरमैन जनरल आजाद के भी एक ब्रीफिंग सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि खुदा का शुक्र है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान में कि जिस तेजी से ये बढ़ेगा या जिस तेजी से वो अफवाह आएगी वो इस तरह नहीं हो रहा। क्योंकि अगर आप देखें कि दुनिया में जैसे यूरोप है कि हर रोज 500,000 मौत हो रही है और तकरीबन जमाल साहब जहां थोड़ा सा मैं आपको दुरुस्त करता चलूं कि वो जो है ना जहां आपको पता तो उस वक्त चलेगा ना जो आपके पास इंतजाम होगा। देखिए डॉक्टर तो डेली जनरल साहब को मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हुई, लेकिन बात तो ये है ना कि आपने अपने डॉक्टर्स को सेटिस्फाई करना है ना। कल तमाम डॉक्टर्स मेरे साथ थे, डॉक्टर तो रो रहे हैं उनके पास न किट्स है न टेस्ट का सामान है, टेस्ट करेंगे तो पता लगेगा ना कि किसको कोरोना है। बड़ा सर बड़ा जबरदस्त आपने सवाल किया, मैं यही कई दिन से कह रहा हूँ कि एक तो हम PCR पे बड़ा तवज्जो कर रहे हैं। अमरीका में एक रिसर्च की डॉक्टर स्कॉट हैं, स्कॉट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा कि जो न्यूयॉर्क सिटी थी उसके अंदर उन्होंने एंटीबॉडी टेस्ट कराया। एंटीबॉडी टेस्ट का फायदा यही होता है कि ये बहुत छोटा सा सादा सा आसान सा और एक खून के कतरे से हो जाता है। और जब उन्होंने अपनी पूरी कम्युनिटी का कराया तो पता चला कि जैसे जो मॉर्टेलिटी रेट यानी 100 में से अगर उनके 8 बंदे मर रहे थे तो पता चला बहुत सारी तादाद ऐसी थी जिनको कोई अलामतें जाहिर नहीं हुई और उनके अंदर अल्लाह ताला ने कुव्वत मुदाफियत पैदा कर दी और उनकी परसेंटेज 0.1 से 0.2% मॉर्टेलिटी चली गई। यानी कि अमेरिका का जो एक्चुअल फिगर आप समझ रहे हैं इस वक्त कि जितने लोग मुतासिर हो रहे हैं उसमें से 7 मर रहे हैं नहीं, बल्कि एंटीबॉडी टेस्ट करने के बाद पता चला इसमें कोई शक कि उनका 0.1 से 0.2% है। इसमें कोई शक नहीं कि जब हमारी ये टेस्टों की फैसिलिटी बढ़ेगी तादाद बढ़ेगी, लेकिन मेरा सवाल यह कि तादाद को हमने देखना है कि मरने वालों के साथ, क्योंकि तादाद हमने देख ली है कि कितने लोग इस बीमारी से मुतासिर होकर मरेंगे। वो खुदा का शुक्र है कि अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अगर आप KPK के रेट को अलहदा निकाल दें पाकिस्तान से अंदर से तो अभी तो 2% है, जब आप KPK को एक अलहदा सुबह वहां थोड़ी सी अमवाज ज्यादा हुई है तो हमारे बाकी पूरे पाकिस्तान की अमवाज 1.5 या 1.6% बनती है। और अगर हम भी एंटीबॉडी टेस्ट शुरू कर दें तो मुझे पूरा यकीन है कि हम ऐसे लोगों को भी स्क्रीन करना शुरू कर दें जो सेहतमंद लोग हैं उनके अंदर एंटीबॉडी करें, तो मुझे पूरा यकीन है। डॉक्टर साहब बात यह है कि आप जितने तक टेस्ट रिपोर्ट जितने तक लोगों के टेस्ट के लिए आसानियां पैदा नहीं करेंगे, इजी टेस्ट कराना नहीं होगा, जितने तक उसके टेस्ट की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी कि टेस्ट ठीक है या नहीं, और टेस्ट चीप नहीं होगा टेस्ट। अब मुझे कल डॉक्टर साहब मेरे साथ थे शफा हॉस्पिटल में, टेस्ट की जो रिपोर्ट टेस्ट जो फीस है वो तकरीबन 7,000 रुपये। अब 7,000 हर आदमी कौन अफोर्ड कर सकता है अब, और फिर उनकी क्रेडिबल भी है, शफा की क्रेडिबल है जो है, इस तरह के बड़े को 1-2 हज़ारों का, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास किट्स नहीं है। जब वो उधर जनरल अफजल साहब कहते हैं हमारे पास बहुत किट्स आ गई हैं, तो मकसद है कि ये कौम तो इस एक दैमे दिरमे सुखने कौम एक तजर्ब का शिकार है कि किसकी माने किसकी सुने कौन ठीक कह रहा है। क्योंकि जितने तक टेस्टों की तादाद बढ़ेगी नहीं, जितने तक लोगों को टेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी, जितने तक टेस्ट की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, जितने तक वो टेस्ट चीप नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है उतने तक वो हमें कह देना कि हम बचे हुए हैं, मेरा ख्याल है वो किसी लॉजिक मंतक पे इंसार उसका नहीं होगा। अच्छा सर, पहले वो जो आपने डॉक्टर वाला सवाल किया, थोड़ा सा मेरे दोस्त हैं भाई हैं,
मैं आपसे पूरा इत्तफाक करता हूँ कि डॉक्टरों को जो है ना कोशिश करनी चाहिए हम जितनी फैसिलिटीज दे सके, इस पे तो मैं बिल्कुल आपसे एग्री हूँ। अच्छा, दूसरी बात है कि मैं इससे एग्री नहीं हूँ बिल्कुल, ये जो जनरल अफजाल साहब कर रहे हैं इस वक्त किटों का किसी जगह कोई मसला नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में 58 लेबॉर्टरी हैं, 58 लेबॉर्टरी हैं जहाँ पीसीआर हो रहा है, और अब माशाल्लाह पीसीआर की किटें बड़े आराम से आ रही हैं। आपके पास कितनी किटें हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जितनी कहेंगे हो सकती हैं, मतलब मुझे कोई अब मसला नहीं है, मैं ऐसे ही कह दूं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंपनी मुझे प्रोवाइड कर रही है सारी। लेकिन जो बात आपने की ना, मैं जो बात कर रहा था कि पीसीआर पे ही, तभी तो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि पीसीआर के टेस्ट के 7,500 से 8,000 लोग ले रहे हैं। ये जो मैं एंटीबॉडी टेस्ट कर रहा हूँ इसको एफडीए ने भी अप्रूव कर दिया है, ऐसी किटें मार्केट में आ गई हैं और ये जर्मनी में, अमेरिका में और बर्तानिया में इस्तेमाल हो रही हैं। और इनका फायदा यही है कि ये आधे घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट मिल जाता है, और इनकी कॉस्ट भी अगर आप निकालेंगे तो 1,500 बहुत हुआ तो 2,000। और सबसे इसकी खूबसूरती ये है टेस्ट की कि एक कतरा खून का आप लगाते हैं और 15 मिनट आधे घंटे में मरीज को बता देते हैं कि यार तेरे अंदर फिलहाल जो है कुव्वत मुदाफियत पैदा हो चुकी है। अगर कुव्वत मुदाफियत पैदा हो चुकी है तो उसको तो आप वायरस के अंदर भी भेज देगा, वो बीमार नहीं होगा। और जिसमें ऐसा आ जाए कि जिसमें शक आ जाए उस टेस्ट के अंदर, उसका फिर पीसीआर आप करें। बिल्कुल मैं इत्तफाक करता हूं कि जो हमने पीसीआर का लोड डाल दिया है इसको, एंटीबॉडी को, हमें इसमें हम हकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं महकमा सेहत से कि पाकिस्तान में उन्होंने अभी तक इसकी इजाजत नहीं दी एंटीबॉडी टेस्टिंग की, इसको ऑफिशियली लेबॉर्टरी को, अच्छी लेबॉर्टरी को इजाजत देनी चाहिए ताकि सस्ता टेस्ट आवाम तक पहुंच सके। और डॉक्टर साहब क्या लगता है आपको, इससे जान कब छूटेगी? देखिए मैंने तो आपको पहले भी कहा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उन कंट्रीज में शामिल है जहां जो है बेशक तादाद बढ़ती भी चली जाए इसमें जो अमवात की शरह है, जितनी ज्यादा आपकी टेस्टिंग बढ़ेगी आप देखिएगा उतनी अमवात की शरह कम हो जाएगी। आप कब्रिस्तानों का डाटा निकाले इस वक्त पाकिस्तान के, आप मान लेते हैं कि चलो हमारे पास टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, तो आप अगर कब्रिस्तानों के निकालें, अगर 100 रूटीन में मरीज मतलब दफन हो रहे थे लोग वैसे ही तो आज जो है कब्रिस्तान में जाएं तो 80 हो रहे हैं। अगर हम मान लें कि टेस्ट नहीं है, कोरोना में बेतहाशा मौतें हो रही हैं, तो आज तो कब्रिस्तानों में 100 की जगह 200 बंदों को फौत होना चाहिए। आप निकाल लें कहीं की कब्रिस्तान की डेटा, किसी कब्रिस्तान में ना डेटा नोट होता हो रहा है आजकल, ना डेटा, लोग डर से जाते ही नहीं है। लेकिन जनरली होता यही है, जब आप कब्रिस्तान में जाते हैं जो गोरखन होता है इंचार्ज होता है वो कब्र का नंबर देता है, निकालता है, रिटर्न करता है। खैर इस पे तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल करेंगे, लेकिन जनरली यही है। और दूसरी बात आप ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम ममालिक, जैसे आप देखें सऊदी अरब है, हम बड़ा कहते थे लॉकडाउन है, लॉकडाउन है, दुबई है, उनके केस हमसे ज्यादा हो चुके हैं और उनके मॉर्टेलिटी रेट भी अल्लाह का शुक्र है हमसे कम है। जो मैं बात आपको बार बार कह रहा हूं ना, जितने आपके मरीज बढ़ेंगे उतनी आपकी जो परसेंटेज ऑफ डेथ है वो कम होती जाएगी। फिर एक बहुत अच्छी बात, दुबई में ये बात बिल्कुल आपकी बजा है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि मोर्टेलिटी रेट जो हमारा है ना पाकिस्तान में कुव्वत मुदाफत, वो हमारा फूड का जिस तरह का सिस्टम है और जिस तरह की फिजा है उसमें हमारी ज्यादा अच्छी है लोगों दूसरे मुल्कों की निस्बत। जी ऐसा ही है, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, तो इंशाल्लाह ताला जो हमारे हालात हैं वो मेरे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप ये देखें ना कि आज पाकिस्तान में कितनी इंटरेस्टिंग बात आ रहा हूँ कि जो आइसोलेट हुए हैं मरीज जिन्हें हमने कोरोना बना के अस्पतालों में रखा है, पूरे पाकिस्तान में 14,000 बेड हैं और सिर्फ 300, ये भी जनरल अफजाल ने आज ही बताया कि सिर्फ पूरे पाकिस्तान में 300 मरीज आपके आइसोलेशन में डरे हुए हैं। और मजे की बात है, अस्पताल में जब आइसोलेशन में जाते हैं ना तो पता है उनको डॉक्टर भी दौड़ जाते हैं, कहते हैं इनको कोरोना है, इनके नजदीक न जाओ, तो वो बेचारे घर आइसोलेशन में है। नहीं सर, ये आपने ज्यादती की है, डॉक्टर जात कर रहे हैं, डॉक्टर अपनी जानों को, मेरी अपनी दो बेटी हैं कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कर रहे हैं, दो बेटी हैं, घर वाली आइसोलेशन में लोग जाते नहीं। बात है कि लड़ाई होगी तो फौजी भाग गया, अगर वहां से तो डॉक्टर नहीं जा रहा, अगर जिस दिन डॉक्टर नहीं जा रहा, लेकिन एक खदशा और खलल है लोगों को, मरीजों को, डॉक्टर तो बेचारा अपनी जो अपने उसके बस में होता है वो कर रहा है, लेकिन जो लोगों के जहनों में ये खौफ है, जिस तरह ये खौफ है कि कोरोना के मरीज के नजदीक आएगा तो हम बीमार हो जाएंगे, उसी तरह लोगों के जहनों में खौफ है कि अगर अस्पताल में गए, आइसोलेशन में गए तो हमारे नजदीक कोई नहीं आएगा। ये आपने बड़ी अच्छी बात की,
देखिए मेरा यही एक सवाल है जो मैं आजकल कल से उठा रहा हूँ कि अस्पतालों में इन्होंने जो आइसोल एक सस्पेक्टेड बनाया है, पहले तो एक मरीज जाता है इमरजेंसी में, फिर वो पहुंचता है अपना, उसको कहते हैं कि फला जगह हमने इसके लिए कोरोना का सेटिंग की भी है, कोरोना का मरीज वहां जाता है, वो जब सस्पेक्ट करते हैं कि सस्पेक्ट अभी डायग्नोज नहीं हुआ, शक का इजहार करते हैं, तो उसको सारे मरीजों को इकट्ठा रख देते हैं, फिर उसका पीसीआर टेस्ट करते हैं, वो दो तीन दिन के बाद रिपोर्ट आती है, जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि यार ये अगर 40 हमने अलहदा किए थे या 50 अलहदा किए थे, इसमें 10 में तो कोरोना निकल आया, वो 40 में नहीं निकला। अब आपने वो जो 3 दिन रखा उसका हिसाब कौन देगा कि 10 मरीज तो थे ही थे, आपने उन 40 को भी कर दिया। मेरी गुजारिश हुकूमत से एक और ये है कि जहां सस्पेक्टेड करते हैं, अव्वल तो एंटीबॉडी टेस्ट, वो जो आपने पहले भी बात बड़ी अच्छी की कि जैसे ही कोई सस्पेक्ट आए उसका एंटीबॉडी टेस्ट कर लें, अगर उस पर कुव्वत मुदाफियत पैदा हो चुकी है उसको घर भेज दें, अगर कुव्वत मुदाफियत पैदा नहीं हुई उसकी भी दो क्लासिफिकेशन कर लें, एक वो मरीज जिनमें शक आ गया कि ये पीसीआर इसका पॉजिटिव हो सकता है उसको अलहदा कर लें, और जिसका नहीं हुआ उसको भी अलहदा कर लें। तो ये जो है ना, हमें इन चीज़ों को आसान करना पड़ेगा लोगों के लिए, और लोगों को खौफ दूर करना पड़ेगा कि कोरोना ऐसी बीमारी नहीं है, क्योंकि आप देखें दुनिया का स्टैटिस्टिक निकाल लें कि जो जवान लोग हैं, जो सेहतमंद लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनमें कोरोना हुआ तो ज़रूर है लेकिन उनमें डेथ रेट बहुत ना होने के बराबर है। दुनिया में रिसर्च हो गई अब तो कि जो बूढ़े लोग हैं, और खास तौर पे 99% बूढ़े लोग जिनको कोई बीमारी थी, इवन इन पाकिस्तान, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 50 मरीज टोटल पूरे पाकिस्तान में वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, उनमें से 80% मरीज वो हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी है। लोगों के दिमागों से हमें खौफ निकालना है कि यार ये बीमारी हो गई तो इसका ये मतलब नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब आप क्वारंटाइन कर रहे हैं मरीजों को, अलहदा कर रहे हैं, तो उनको कोई ऐसी फैसिलिटीज दें, उनको ऐसी सोशल चीज़ें दें कि वो एंटरटेनमेंट करें, उनको कोई थोड़ा रिलैक्स करके। वो खौफ ज़रूर होता है कि यार ये उठा के कैद कर देंगे, लोग एक जहन में ये बात आती है, तो हमें ये भी जोड़ना चाहिए कि जो हमने सेंटर बनाए हैं उनमें ऐसी फैसिलिटीज दें कि लोग उसको एक घर की तरह फील करें। एक काम जरूर करें हम लोग, मास्क जरूर पहने। मैं ये नहीं कहता एहतियात नहीं करनी, स्मार्ट लॉकडाउन जरूर करें कि जहाँ जरूरत हो, जिस इलाके में जरूरत हो, सबकी जिंदगी को अजाब मत करें, क्योंकि सर हमारे मुल्क में गरीब आदमी के बड़े बुरे हालात हो चुके हैं, 2 महीने से ऊपर हो गया है। और ये जितनी बातें लॉकडाउन की करें, मैं बार बार आपको आखिरी मैसेज यही दे रहा हूँ, ये वो लोग करें जिनके पेट भरे हुए हैं, जिनके घरों में सब चीजें मौजूद है। देखे ना, अमीर आदमी का बंदा जब बीमार होता है ना, उसको घर में रख लेता है, आपको पता है ये बात। अमीर आदमी के घर में कोरोना का मरीज आता है उसको अपने कमरे में आइसोलेट कर लेता है, और गरीब का आता है तो उसे आप उठा के क्वारंटाइन में सबके साथ एक जगह डाल देते हैं, और फिर अल्लाह अल्लाह खैर खला। तो प्लीज प्लीज अब ये स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आए, लेकिन लोगों को मेरा मैसेज ये है कि हुकूमत 20 करोड़ आवाम को कैद नहीं कर सकती, लोगों का भी फर्ज है कि वो हुकूमत के साथ ताउन करें, जो सेहत की गाइडलाइन है उनको ताउन करें, अपने हुकूमत के साथ बल्कि अपने साथ ताउन करें, मास्क भी पहनें, फासला भी रखें, साबुन से हाथ हाथ भी बार बार धोएं, बिल्कुल करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमाल नासिर साहब, आपके वक्त, आपके तबसरे और तर्जी का। न्याय साहब, कोरोना की सूरत हाल भी हमने डिस्कस कर ली और आटा चीनी भी डिस्कस कर लिया, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आज सोशल मीडिया और हर जगह पर यह डिस्कस हो रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं, फौज से रिटायर हुए, उनको 2 साल मुकम्मल नहीं हुए और सियासी ओहदा जो है वो उनको मिल गया। इस हवाले से जो है बातें काफ़ी गर्दिश कर रही हैं, क्या ये दुरुस्त है, क्या दुरुस्त नहीं है, आप चूँकि बेहतर जानते हैं तो आप रहनुमाई फरमाएँ। देखें जी, जनरल आसिम बाजवा साहब ये जो अव्वल तो मौन खसूसी बने हैं, वो उनका जो होता है वो सियासी नहीं है। अच्छा, ये मौन खसूसी का ओहदा सियासी नहीं है, अगर किसी ने सियासी बनाना है तो वो बनाता रहे, हम तो ठीक चीज़ों को ही सियासी बना देते हैं, जो सियासत के नज़दीक से नहीं गुजरी होती उनको ही सियासी बना देते हैं, लेकिन उनका सियासी ओहदा नहीं है, और वो एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, और उनका जो है एक बड़ा नाम है, वो DGISPR है, बहुत काम किया, और इस वक्त ही मेरा ख्याल है ये जो रोजाना सुनते हैं 1 पेज 2 पेज, ये पेजों के मसाइल भी ख़त्म हो जाएंगे, और इमरान खान को ऐसे आदमी की ज़रूरत थी। शिबली फराज का फैसला नंबर 1 फैसला, जनरल आसिम बाजवा का फैसला नंबर 1 फैसला, जनरल आसिम बाजवा इंटेग्रिटी वाले अफसर हैं, लोग अपने आप को खुश करने के लिए इसको सियासी ओहदा बना रहे हैं,
और वो बनाते रहे, ये सियासी है नहीं, लेकिन है कोई भान नहीं है किसी का सियासी ओहदा नहीं होता, वो कोई भी वो टेक्नोक्रेट है और वो बहुत दुरुस्त और बहुत अच्छा फैसला है, एक्सपर्टी से अपने मुल्क को या अपने प्राइम मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस्तफादा दे सकते हैं। ठीक है, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया। न्याय साहब, नैब क्वेश्चन कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए, तो ऐसी कोई सूरत हाल आपके नजदीक आ रही है कि कोई नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की कोशिशें जो है वो तेज हुई है आजकल में? नहीं, नवाज शरीफ को मैंने कहा, पहले ही कहा, कह चुका हूँ कई दफा कि वो उधर ही रहेगा। उनकी बदनसीबी ये है कि शेख साहब तो दो पार्टियां कहता है, उनकी बदनसीबी ये है शेख साहब को कुछ पता मकतूद माशाल्लाह होता है या नहीं होता, बात तो कर जाते हैं, लेकिन एक्चुअली जो है, फिर दो आशिक अवान भी किए जा रही थी बातें, एक्चुअली उनकी पार्टी में वो वजन नहीं रहा, वोट है नवाज शरीफ का। हाँ, नवाज शरीफ को लीड कर रहा है शाहिद खाकान अब्बासी। अच्छा, मरियम ही शाहिद खाकान अब्बासी के साथ है। दूसरी पार्टी है शहबाज शरीफ की। अच्छा, शहबाज शरीफ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मकसूद थोड़े बहुत नवाज शरीफ की निस्बत कंपैरेटिवली बेहतर है। अच्छा, तीसरी पार्टी उनके पास एक और है। अच्छा, किसी को नहीं पता वो कौन सी है? ख्वाजा आसिफ और राणा की पार्टी है। राणा सनाउल्ला और ख्वाजा आसिफ की? नहीं नहीं, राणा सनाउल्ला नहीं, राणा तनवीर, दूसरा जो है क्या नाम है उसका, राणा तनवीर साहब, राणा तनवीर साहब और ख्वाजा आसिफ की अलहदत, ये तीन पार्टी है। अच्छा, अच्छा, इन तीनों पार्टी में से किसी पार्टी का हिस्सा चौधरी निसार साहब थे अपने वक्त में? वो चौथी पार्टी है। अच्छा, वो अलहदा से पार्टी निकल गया है, लेकिन वो भी एक पार्टी है। तो ये जब धड़बंदी होगी फिर तो वाकई में आपने जिस तरह कहा कि इनकी पार्टी का कोई वजन नहीं रहा, अब तो तीन हिस्सों में तकसीम होने। अच्छा, से पार्टी की में वो जान जो है नहीं रही, वो ताकत नहीं रही, वो बलबला नहीं रहा। लिहाजा नवाज शरीफ साहब वहाँ ही आराम करेंगे मेरे हिसाब से, तो उन्होंने नहीं आना, क्योंकि कुछ कोई NRO कोई लेख पट तो ना हो शायद, लेकिन कोई किसी NRO के तहत नजर नहीं आ रहा। आपने जरदारी साहब का खुद भी जिक्र किया, शेख साहब का भी आपने जिक्र किया, तो शेख साहब कह रहे थे कि जरदारी साहब बड़े समझदार हैं, आजकल घोंसलों में चले गए हैं, तो इसका क्या मतलब है? नहीं, वो तो मकसद है घोंसले में खुद तो नहीं घुस सकते थे ना, अगर गवर्नमेंट रास्ता रोकती, कानून रास्ता रोकते, तो वो नैब और गवर्नमेंट खामोश ना होती तो घोंसले की तरफ क्यों जाने देते, उनको इधर ही रखते, हिसाब किताब करते उनके साथ। नया साहब, एक आखिरी चीज आपसे पूछना चाहूंगा, आइंदा माली साल का बजट जो है वो भी जून में आ रहा है और इस किस्म की सूरत हाल भी है, तो किस तरह देख रहे हैं बजट को, बजट में कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है या सूरत हाल किस किस्म की होगी? अभी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकता हुकूमत के साथ, लेकिन फिर भी बजट तो करीब करीब है। देखें जी, बात यह है कि माली साल का बजट अभी जो हालात मुल्क के जा रहे हैं ना, क्योंकि पूरी ओवरऑल दुनिया में एक क्राइसिस है। हाँ, और उस क्राइसिस में कम क्राइसिस हैं दुनिया की निस्बत पाकिस्तान में। वो लोग जो पाकिस्तान में पहले पाकिस्तान से जाने के लिए सिफारिशें करते थे, वीजा लगवाते थे, काम मंगवाते थे, वो लोग अब वो जो है प्रॉब्लम ये है कि वो लोग अब पाकिस्तान आना चाहते हैं, वो रिक्वेस्टें कर रहे हैं, इल्तजा कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, अपीलें कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान बुलाया जाए। पाकिस्तान में अल्लाह करे कोरोना से निपट ले प्रॉपर तरीके से, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है इस वक्त, अगर गुड गवर्नेंस हो जाए और जो वादे करें, जो वादों को वफा करें ओवरसीज से, तो इस टाइम ओवरसीज पाकिस्तानी आना चाहते हैं। इस टाइम का बजट जो इन्होंने देना है वो बड़ा सोच समझ के देना है, क्योंकि इनके पेश इनके सामने ये बात है, चार्ट है, प्राइम मिनिस्टर उस बात को समझता है कि बाहर जो, क्योंकि उसको ही लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है, उसको ही पता है कि इस टाइम जो पाकिस्तानी बाहर सेटल्स हैं वो पाकिस्तान में सेटल होना बेहतर समझ रहे हैं। बेहतर समझ रहे हैं। एक और बड़ा अच्छा फैसला हुआ है, आना चाहते हैं और अपने पैसे भी लाना चाहते हैं। एक और बड़ा नया सब अच्छा फैसला हुआ है कि वजारत खजाना के मुताबिक यकम जुलाई 2020 से जो तरसीलात होंगी पाकिस्तान के अंदर उन पर भी विदहोल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। हाँ, नहीं वो भी अच्छी बात है, वो जो है वो इसलिए पाकिस्तान में आने वाला वक्त तो कोरोना से अगर बचते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर वक्त है, बहुत बेहतर और बहुत अच्छा वक्त है, बहुत अच्छा वक्त है। बहुत शुक्रिया चीफ एडिटर रोजनामा पाकिस्तान प्रोग्राम के रूहे रवान जनाब सरदार खान नियाज़ी साहब की आप गुफ्तगू समाप्त फरमा रहे थे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल अल्लाह ने के बाद। रोज न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि ताजा तरीन खबरों से आगाह रह सकें।